हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल वेल। तो गाइस, चलिए आज हम आपको दिखाते हैं नेल आर्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी कम प्रोडक्ट एंड कम प्राइस में, इजीली आसान तरीके से। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जो हमारे नेल्स पे पहले से नेल पॉलिश लगी है उसको हम रिमूव कर लेंगे। तो ये थिनर मैंने लिया है, ये 10 रुपीज़ का है। आपको मैं कम से कम बजट में ही आज नेल आर्ट करना सिखाऊंगी, जो आप इजीली घर पे ही कर सकते हैं। आपको इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं वेस्ट करने एंड ज़्यादा समय भी वेस्ट नहीं करना। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने ये टिश्यू पेपर लिया है और इस पर लिया है फिर मैंने थिनर, ये 10 रुपीज़ का है। तो जो हमारी नेल पॉलिश है मैं इसको अच्छे से रिमूव कर लूँगी। एंड इसके बाद मैंने जो लिए हैं ब्रश, 2 ब्रश लिए हैं, जिससे मैं एक से अप्लाई करूँगी, फ्लैट ब्रश एक से अप्लाई करूँगी मैं जो हमारा गिल्टर है उसको, एंड एक बड़े वाला ब्रश है जिससे जो हमारा एक्स्ट्रा गिल्टर गिर जाएगा उसको साफ करने के लिए। एंड एक लिया है मैंने नेल पॉलिश जो 10 रुपीज़ की है, बिल्कुल से कम बजट में ही मैं आपको करना बता रही हूँ। मैंने बिल्कुल से 10 रुपीज़ के लिए, ज़्यादा इसमें हम पैसे वेस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं इसको, इसमें कोई ग्लू या फिर कोई भी अलग से चीज़ें नहीं बताऊंगी। एंड ये अच्छे से आपका चलेगा, जो आपको अगर वेडिंग में जाना है या पार्टी में जाना है, ये आपका अच्छे से चलेगा भी। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा समय तक आपको वाटर में नहीं अपने हाथों को रखना है। तो फ्रेंड्स, मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया है नेल पॉलिश को, एंड ये लिया है मैंने गिल्टर। तो फ्रेंड्स, ये है गिल्टर, तो इसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे। ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, ये 20 रुपीज़ का आता है। आपको जो भी सेट लेना है आपको आप ले सकते हैं, ये आपको बहुत सारे कलर में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो हमें इसे बस डायरेक्ट अपने नेल्स पे करना है अप्लाई, और मैं इस ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको भी ईजिली आ जाएगा अगर आप इसे अच्छे से करेंगे। एंड इसकी शाइनिंग, इसका लुक भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसे घर पे कर सकते हैं इजीली। तो जो एक्स्ट्रा लग जाता है हमें ब्रश को भी साथ साथ में साफ कर लेना है, क्योंकि अगर हम दूसरे गिल्टर को अप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल से गंदा हो जाएगा, दो मतलब सारे कलर एक साथ में इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो हमारा एक्स्ट्रा गिल्टर लग चुका है नेल्स के पास, हम उसको अच्छे से इस ब्रश की हेल्प से रिमूव कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है। एंड अब हम दूसरी फिंगर पे लगाते हैं। बस हमें क्या करना है, पूरे हाथों पे नेल पॉलिश लगाना है, उसके बाद आपको एक गिल्टर ले लेना है। अगर आपके पास कोई भी नेल पॉलिश हो या फिर आप उसे लगा लगा के बोर हो चुके हो, तो आप उसे अच्छे से ऐसे अपने हैंड पे लगाइए। एंड गिल्टर खरीदिए मार्केट से, तो आप इजीली इस नेल पॉलिश को भी एंड अच्छे से नेल आर्ट करना सीख जाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा है हम अपने नेल से उसको हटा देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं एंड ब्रश से अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। ओके गाइस, एंड अब हम चलते हैं दूसरी फिंगर की साइड, जो हमारी थर्ड फिंगर है उसकी साइड चलते हैं। हमें इस पे भी ऐसे अच्छे से लगा लेना है गिल्टर, नेल पॉलिश। ओके फ्रेंड्स, तो गाइस, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, मैं अब इस फिंगर पे भी अच्छे से गिल्टर लगा लूँगी। अभी इसको क्या करना है, हमें ऐसे छोड़ देना है, हमें जो एक्स्ट्रा है वो अभी नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये अभी गीला है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसे हम पूरी फिंगर पे पहले अप्लाई कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको बाद में ब्रश की हेल्प से रिमूव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम पहले पूरी फिंगर्स पे, पूरे हैंड पे अच्छे से लगा लेते हैं, हम नेल आर्ट अच्छे से कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम इसको जो एक्स्ट्रा होगा उसको रिमूव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने ये लिया है सिल्वर कलर, यानी कि सिल्वर गिल्टर। ओके, तो आप इसको भी ऐसे डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड्स।
ओके, बहुत इजी हो जाता है, आप इजीली सीख जाते हैं ऐसे करना, तो ट्राई ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगे, ये ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अब हमारी जो लास्ट की फिंगर बची है उस पर भी कर लेते हैं अप्लाई। ओके, तो ये ब्लू कलर का है जो हमारा ग्लिटर है, ये ब्लू है एंड हम इसको भी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। तो हमारा जो हैंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं दोनों फिंगर पे करना तो आप दोनों फिंगर पे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स करना तो आपके लिए ये चैनल बहुत अच्छा है एंड आप इस पे आके ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल से बिगिनर हैं तो आप अच्छे अच्छे नेल आर्ट एंड मेकअप कोई भी आप सीख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल से कंप्लीट हो चुका है हमारा हैंड, हमने पूरे हाथ पे कर लिया है एंड मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अपने नेल्स को कैसे लगाएं। ओके फ्रेंड्स, तो आप एक बार हमारी वीडियो को ज़रूर देखना, जो हमारे नेल्स पे एक्स्ट्रा लगा था हम उसको अब रिमूव कर देंगे क्योंकि अब ये बिल्कुल से अच्छे से ड्राई हो चुका है, ईजिली जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लिटर है वो ईज़िली अब हट जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं अगर ये प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में नहीं मिलते हैं तो हमें अपनी जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमने मेंशन किया हुआ, आप वहाँ पे व्हाट्सअप करके ये प्रोडक्ट मंगा सकते हैं अगर आपको मार्केट से नहीं मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइनिंग है एंड शादी पार्टी या कोई भी फंक्शन हो आप आसानी से एंड जल्दी से इसे कर भी सकते हैं और ये बहुत अच्छा भी लगता है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइनिंग है, आप इजीली इसको कर सकते हैं गाइस। तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, मैंने नेल आर्ट कर लिया है। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।